आज के इस एपिसोड में हम एनफोर्समेंट दरोगा का एपिसोड नंबर 26 का जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 25 शानदार प्रश्न हैं और आपको जो इसमें प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बेसिकली ज्योग्राफी से, स्पीडी जनरल साइंस से और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज के प्रश्नों का जो कट ऑफ रहेगा वह 21 का रहेगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो है 1974 में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। पहली कृषि गन्ना जो है कब की गई थी? फिल इन द ब्लैंक्स है, यह बताना है आपको। इस प्रश्न का जो है उत्तर 1970 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, 1970। कृषि गन्ना जो है एवरी 5 ईयर्स पर कंडक्ट की जाती है। नींबू में किस चीज की कमी के कारण डाईबैक रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन ए यहां करेक्ट है। निम्न में कौन सी नकदी फसल है, यह बताना है आपको। नकदी फसल आप ऑप्शंस देखिए और इसमें बताइए कि नकदी फसल कौन सा है। नकदी फसल से यहाँ तात्पर्य है कैश क्रॉप। तो इसमें जो कैश क्रॉप है वह है तंबाकू। तंबाकू जो है भारत में 80% आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में उगाई जाती है। तंबाकू के लिए जो कंडीशंस होते हैं वह होते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए और जो है टेम्परेचर वह 20 से 25 डिग्री के करीब होना चाहिए। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गन्ना का जो है रेड रॉट रोग होता है गन्ना में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मिर्च में जो लाल रंग होता है वह किस चीज के कारण होता है? ऑप्शंस देखिए और इसका आप उत्तर कीजिए। तो मिर्च में लाल रंग जो होता है वो कैप्सेंथीन की वजह से मेजरली होता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यह बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वह कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अभी हमने इससे पहले तंबाकू के बारे में जाना था कि यह एक कैश क्रॉप होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका शोध संस्थान भी भारत में कहाँ पर है, तो यह है राजमुंद्री में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि राजमुंद्री किस राज्य में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपको जितने भी शोध संस्थान है इसमें से एक प्रश्न तो बिल्कुल निश्चित मान के चलिए, अगर इससे प्रश्न आता है तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वो है स्थित वाराणसी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट यहाँ पर। निम्न में से कौन सी जो है खरीफ फसल है, आपको यह बताना है। आपको खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इन सब के बारे में काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न बिल्कुल संभावित रहता है। यहाँ पर जो उत्तर है वह है चावल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खरीफ फसल वह होती है जिसे मानसून से पहले लगाया जाता है, अप्रैल से मई के टाइम में, और जिसे काटा जाता है मानसून के बाद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, यह आप बताना है आपको। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरबूज। जायद मौसम में जो फसल उगाई जाती है उनमें जो है हीट वेव छहने की क्षमता रहती है, और जो जायद मौसम में फसल होती है, जो जायद फसल जिसे कहते हैं, उनमें यह होता है कि उन्हें लगाया जाता है मार्च से अप्रैल के बीच में। जैसे कि अभी जो है वह जायद मौसम है जहाँ पर आपको जायद फसल लगाई जा सकती है। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये जितने भी हैं ये सब आपको जायद मौसम में मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो है बागवानी से संबंधित है? आपको जितने रिवॉल्यूशन है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, रट जाइए आप इसको क्योंकि इससे प्रश्न संभावित रहता है परीक्षा में।
तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन सी करेक्ट है। पित्त क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? पित्त रिवॉल्यूशन जो है यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है कितनी रहनी चाहिए, यह बताना है। तो यहाँ उसका जो उत्तर हो जाएगा, भारत में चावल जो होती है तो चावल करने के लिए जो बारिश होनी चाहिए वह 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट में बताएं कि भारत में जो है चावल की खेती किन क्षेत्रों में होती है। झूम क्या है? झूम जो है यह कल्टीवेशन का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो झूम है यह कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। झूम के कई नाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश में से मिल्पा कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे झूम कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कृषि का यह एक तरीका है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ भारत में ही इस कृषि तकनीक को लोग अपनाते हैं, यह जो है इंडोनेशिया, म्यांमार, इन सब में भी आपको यह दिखाई देता है, वहाँ भी इनके कई अलग नाम हैं। पर इस तरह से बेसिकली यह एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री जो है वह कौन था? तो भारत का प्रथम चीनी यात्री जो था वह था फाहियान, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह किसके राज्य में जो है उसने भारत की यात्रा की थी, आप कमेंट में हमें इसका उत्तर बताएं। भारत में निम्न में से कौन सी बैंगनी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? माफ कीजिएगा, यह बैंगनी नहीं है, बागानी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। बागानी फसल जो है वह कौन थी जो कि सबसे पहले भारत में शुरू की गई थी? तो यह है इसका उत्तर ऑप्शन बी, नील जो है पहली बागानी फसल है जो कि भारत में शुरू की गई थी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, खरीफ। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, यह बताना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है भारत का पहला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल एम राजेंद्र सिंह जो है वह भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पे यह जो है कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल्स डे, यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो है भारतीय महिला वह कौन थी, यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी को जो है वह पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, उन्हें यह सम्मान जो है 1971 में दिया गया था, आपको यह याद रखना होगा। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, यह बताना है। तो अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वह थी मेहर मूसा, जिन्होंने 1971 में यह कारनामा कर दिखाया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यह बताना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रथम भारतीय जो थे वो थे प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने 1980 में जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है यह खिताब जीतकर कारनामा किया था। जो प्रिसाइज डेट है वह है 23 मार्च। यह आखिरी प्रश्न था आज के प्रैक्टिस सेट का, आप अपने आंसर्स मिला लिए और हमें अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ हम आज का एपिसोड समाप्त कर रहे हैं। आपको जो है अभी हमने कुछ दिन पहले आपसे पोल करवाया था कि क्या हमें टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स जब तक भी अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें भी जो है मेहनत करने का उत्साह नहीं मिलता है। पर कई लोग जो है लोगों ने इसमें अप्रॉक्स 90% के करीब लोगों ने इसको कहा है कि टेस्ट सीरीज नहीं रोकना चाहिए, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज जो है सैटरडे संडे को
मिलेगा इसके आंसर कीज के साथ। और साथ ही के साथ हम जो है आपको बजट के ऊपर और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आपको क्वेश्चंस देंगे आने वाले वीडियोस में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिए। वैसे भी अभी समय आपके पास काफ़ी है कि आप परिवार के साथ रहकर जो है अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है और जो जो लोग हैं लगता है कि इस वीडियो को काफ़ी कम शेयर करते हैं, तो आप इसको जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामिनेशन बुद्धा को। थैंक यू एंड टेक केयर।